माय चैनल एंजल गैब्रो चैरिट्स। टुडे आई एम इन दिस वीडियो फॉर शहनाज गिल। कई लोगों ने पूछा हुआ है कि न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि शहनाज के ऊपर ब्लेम लग रहा है कि वो कुछ जानती थी कि किलर्स के बारे में या उनकी डेथ के बारे में, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, या उनका कोई, कई लोग कह रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं, आप ये कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि उनका हाथ है कहीं ना कहीं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं अपने कार्ड्स के थ्रू पता करने की कोशिश करूँगी कि इसमें क्या, इसमें ये कार्ड्स में शो कर रहा है कि कितनी सच्चाई है शहनाज गिल के जो ये ब्लेम लग रहा है। न्यूज़ में भी है, कई लोगों ने पूछा हुआ है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल का जो अभी समय है इस दौरान इनके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि इनका सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ में या उनकी डेथ में उनका कोई हाथ है या कोई जानती थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला के मृत्यु में, उनकी डेथ के प्लानिंग में, डेथ प्लानिंग अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो क्या उनका कोई हाथ है डेथ प्लानिंग में शहनाज गिल का? ये जो ब्लेम उनके ऊपर लग रहा है कितना सही है? अगर ये सही है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, अगर ये सही नहीं है, गलत है, तो नेगेटिव कार्ड दिखाइएगा। इसके अलावा मैं मैसेज जरूर देखना चाहूँगी कि इनके ऊपर ये सब कौन कर रहा है। नेगेटिव कार्ड है ये भी, कार्ड 50-50 है, ये भी नेगेटिव कार्ड है, ये बात बिल्कुल गलत है। और जो कोई भी इनके ऊपर डेविल का कार्ड है, नेगेटिव, सारे कार्ड ही नेगेटिव हैं। ये जो ब्लेम लग रहा है कि इनका हाथ है, इंसल्ट का कार्ड है, एक लेडी जिसका इंसल्ट हो रही है, आपके सामने कार्ड्स निकल रहे हैं, ये देखिए। और इसमें ये लास्ट में एक ऐसा वही पर्सन बार बार आ रहा है कार्ड, जो कि बहुत ही यंग एज में इसने बहुत सक्सेस पा ली हो। अब मैं आपको बारी बारी से ये स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कार्ड्स कह क्या हैं। देखिए, एक तो नेगेटिव कार्ड मैंने पूछा था, आई हैव आस्क्ड, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने पूछा था कि वेदर ये जो ब्लेम इनके ऊपर लग रहा है कि इनका कोई हाथ है इनकी डेथ में, या इन्होंने प्लानिंग करी है, या कुछ ये जानती हैं जो कि बता नहीं रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इनका कोई हाथ नहीं है, ये केवल कंफ्यूज किया जा रहा है जनता को, और उनको खुद भी कंफ्यूज किया जा रहा है, परेशान करना किसी को, जैसे होता है ना कि किसी की मनस्थिति को कंफ्यूज करना कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो मेरे बारे में। शहनाज अभी इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, वो ऑलरेडी नहीं समझ पा रही कि मैं अपने आप को संभालूं कि उनके ऊपर जो ब्लेम लग रहे हैं उनको संभालूं। बहुत कंफ्यूजिंग माइंड उनका चल रहा है। यहाँ पे शो कर रहा है कि उनके ऊपर बहुत बर्डन है, वो इस बोझे को लेकर के तंग आ चुकी हैं, और इतना तंग हो चुकी हैं कि अब वो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा अब कोई काम ही आगे नहीं बन पाएगा, मतलब उनका मन नहीं है, मतलब वो बहुत सोच रही हैं, इतना ज़्यादा सोच रही हैं। ये टार्ट कार्ड ये कह रहा है कि डे ड्रीमिंग का है, एक्चुअली इतना ज़्यादा ड्रीमिंग कर रही हैं, सोच रही हैं कि कैसे मैं इस चीज़ से जो है वो मतलब बाहर निकलूँ, ये क्यों हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में थिंकिंग बहुत चल रही है, यहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ ये मैं कहूँगी कि नेगेटिव कार्ड है, ये नहीं शो हो रहा है, इनका माइंड एकदम कंफ्यूज है कि ये क्यों ब्लेम लग रहा है इनके ऊपर, इनके ऊपर बोझा हो रहा है, एक तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है इनके ऊपर, और ये खुद भी बहुत परेशान हो गई हैं अब इस तरह से इनके ऊपर जो ब्लेम यहाँ ये शो कर रहे हैं कार्ड, खुद भी परेशान हो चुकी हैं, शो हो रहा है, और बहुत सोच रही हैं, कर कुछ नहीं पा रही हैं, केवल सोच ही रही हैं कि ये कैसे मैं अपने ऊपर से ये जो ये चीज़ ब्लेम लग रहा है या जो नेगेटिव चीज़ हो रही है ये कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊँ। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड है, ये डेविल टाइप, अब ये एंजल्स की मैसेज हो रहा है कि डेविल टाइप का व्यक्ति कोई है जो उनको अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इस तरह से परेशान करके, कंफ्यूज करके, और इनकी इंसल्ट कर रहा है, इनकी इंसल्ट हो, बेइज्जती हो जनता में, समाज में, ये चीज़ यहाँ ये शो कर रहा है। अब कार्ड्स आपके सामने है, मैसेज साफ है, और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इंसल्ट कर रहा है कि ये जो शहनाज की जो रिच और प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जो भी उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो किसी तरीके से बेइज्जती करके, उनकी किस तरीके से उनको कंफ्यूज करके उनको हटाओ रास्ते से। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बहुत ही यंग एज में ही जनता ने उसको अपने सराखों पे रखा, मतलब यंग एज में ही बहुत सक्सेसफुल रहा होगा, मतलब प्रिंस टाइप का कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही यंग एज में ही बहुत सक्सेसफुल रहा होगा अपने लाइफ में,
ऐसा व्यक्ति है। और यहाँ पे इसमें इसके अलावा स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है ये मैं देखना चाहूँगी कि ये जो यंग व्यक्ति है, ये डेवल टाइप का व्यक्ति कोई है जो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, डेवल डेवल का कार्ड आया हुआ है, यंग पर्सन का कार्ड है। दैट मीन्स वो जो अपने समय में अपनी यंग एज में ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सक्सेसफुल रहा और जनता ने सर आंखों पर रखा उसको और बहुत जल्दी सक्सेस उसने पाई, जल्दी जल्दी शुरुआत में। और यहाँ मैं और मैसेज देखना चाहूँगी स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी क्वालिटीज कुछ बता सकते हैं, किसने ये कौन कर रहा है, मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगी। फैंस जानना चाहते हैं कि ये कौन है जो शहनाज के ऊपर प्रेम ब्लेम लगा रहा है, कुछ पहचाना जा सकता है इसके ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे जिससे अंदाज हो, या स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है मैं ये भी देखना चाहूँगी। ये जो व्यक्ति है ये देखिए आखिरी में फिर से अधेड़ उम्र के व्यक्ति का कार्ड आया हुआ है, ये फिर से वही है, बहुत रिच और प्रॉस्पेरस है ये व्यक्ति। में ऐसा लगता है मैं बार बार वही चीज रिपीट करती चली जाती हूँ, ये बहुत रिच और प्रॉस्पेरस है, इसको अपनी माँ से बहुत सपोर्ट है, इसको अपनी फीमेल, इसकी जो घर में जो कोई भी होगा खासतौर से इसकी माँ या कोई बहन, इसको बहुत सपोर्ट है, बहुत रिच और प्रॉस्पेरस है ये। और ये दूसरों को जो है इसका ये नेचर ये है कि खुद तो परेशान रहता है औरों को ही परेशान करता रहता है, नोचना खा सोटना। और ये जो है गॉसिपिंग का, मतलब ये जो है चाहता है कि दूसरों को जब परेशान करो तो अगला जना गॉसिपिंग का शिकार हो जाए, ये इसका नेचर है गॉसिपिंग करना बहुत ज़्यादा, गॉसिपिंग करवाना किसी किसी पर्सन के लिए, गॉसिपिंग करवाना। ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होते हैं जो उल्टे सीधे जो है वो स्टेटमेंट या ट्विटर पे देखते होंगे आप, जो विरोधी होते हैं, ऐसे शहनाज के ही कई सारे होंगे, तो कुछ उल्टा सीधा या सिद्धार्थ शुक्ला को लेके ऐसे कुछ कोई भी एक्टर हो, तो जैसे कंगना रनौत का था तो बहुत ज़्यादा जो है गलत ट्विटर पे कुछ और स्टेटमेंट डाल दिया। तो गॉसिपिंग करना बहुत ज़्यादा ये इसका काम है और ये इस तरह के काम करता है, ये इसका नेचर है, यहाँ ये शोर है और चीज़ों को विन भी करता है, उसको विक्ट्री भी हासिल हो जाती है गलत काम करने में, करवाने में भी। और ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये इतना इसकी इंटेलिजेंसी है जैसे एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग लोग नहीं होते हैं जिनके पास अगर आप जाएंगे तो एडवाइस भी दे सकते हैं, एडवाइस देना दूसरों को कैसे काम करो, क्या है चमचे होना है अगर, और मतलब पूरा दिमाग पूरा लगाना, पूरी बुद्धि उसमें लगाना कैसे काम पूरा करना है। और ये कोई अगेन अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, ये कोई वही 50 के आसपास का मुझे लग रहा है, ये 50 के आसपास का, ये श्योर है ये कार्ड मेल का ही आ रहा है, मेल को ही शो कर रहा है, यहाँ कोई फीमेल नहीं दिखा रहा है। तो बहुत साफ है ये पहले भी मैं मैसेज यहाँ पे देख आ चुका है, क्योंकि ये कार्ड पहले भी आ चुका था कि ये डेवल टाइप का व्यक्ति है और इसके ये कार्ड ये साफ शो करता है कि ये बहुत ही यंग एज से प्रॉस्पेरस हुआ है और डेवल टाइप का व्यक्ति है और अधेड़ उम्र का है, बहुत इंटेलिजेंट है, लोगों को जो है कैसे नोचना खसोटना परेशान करना है और कैसे जो है उनको गॉसिपिंग में फंसाना है और फिर चीज़ें विन करना है। और ये कोई बहुत अच्छा प्रॉस्पेरस है, इसकी माँ से बहुत सपोर्ट है, फीमेल है इसके पीछे, इसके ये अकेला नहीं है, इसके पीछे फीमेल है, फीमेल का बहुत बड़ा हाथ है। और ये कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, ये साफ क्वालिटीज़ यहाँ ये शो कर रहा है, कोई मेल ही है क्योंकि फीमेल का कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं आया है। और ये शहनाज को बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश कर रहा है, अब ये कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और आई होप कि वो उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा नहीं आए, और जनता जो है वो बाकी तो जानती है क्या है क्या नहीं है, लेकिन शहनाज को अपना ख्याल रखना चाहिए और इधर उधर की बातें जो हो रही हैं सब इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो ज़्यादा हमको परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ये यहीं पे कहूँगी। उनके लिए मैं फिर से कहूँगी प्रेयर करिए, अपने आप को वो सुरक्षित रखें और अपने जो उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल जो उनकी चीज़ें हैं अपनी जो उनकी अपनी चीज़ें हैं उसको वो सुरक्षित रखें, वो ज़्यादा उनके लिए सेफ्टी रहेगी। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।